एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अखिलेश यादव से बात की मेरे सहयोगी ने, सुनते देखिए। आजमगढ़ की सड़क जो एनएचआई ने बनाई है, अगर उस पर चल लें तो शायद आपके पेट में दर्द हो जाएगा। तो जो लोग सपना दिखाते थे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उन्होंने किसान को निराश किया है। उद्योग जगत को बहुत बड़ा लाभ नहीं दिखाई दे रहा होगा, नौजवान को नौकरी रोजगार नहीं है। इस बजट ने हमारे गरीबों किसानों को धोखा दिया है। किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग एक ही चीज है कि जो तीन कानून है उनको वापस लिए जाएं। ये बजट से तो सवाल में कुछ समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन है किसानों को, और ये तीनों बिल वापस होने चाहिए। क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर समाजवादी सरकार में बन रहा था, बड़ी बड़ी मंडियाँ, एक्सप्रेसवे के किनारे मंडियाँ, या किसान बाजार, या किसान को क्या सुविधाएं दे सकते हैं, उस तरह के रास्ता अपनाया था, लेकिन वो सब का सब रुक गया। आखिरकार वो मंडियां क्यों रोक दी गई? वो कौन से स्थान हैं जहां पर किसान को अपनी फसल का पैदावार मिलेगी? धान में लुट गया, मक्के में लुट गया, अभी तो सरसों आने वाली है। अगर विदेश से तेल आ जाएगा, एडिबल ऑयल बड़ी बड़ी कंपनियाँ बनाएंगी, ब्रांडेड कंपनियाँ बनाएंगी, तो हमारे देश का एडिबल ऑयल का क्या होगा? जो देसी हमारा तेल है जो पिराई के माध्यम से बाजार में पहुंचता था, आखिरकार उसके लिए क्या बाजार है? हमारे जो गरीब हैं, किसान हैं, वो कैसे ब्रांडेड बना पाएंगे, वो कैसे मार्केटिंग कर पाएंगे? एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।